धार्मिक नगरी चित्रकूट का यह प्रमोदवन वृद्धा आश्रम बेसहारा तमाम बुजुर्गों का सहारा है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संचालित ये आश्रम इन दिनों यहाँ रहने वाले रघुनाथ सोनी की मौत को लेकर चर्चा में है। मृतक की पत्नी और आश्रम के अन्य लोगों ने रघुनाथ को 6 महीने से वृद्धा पेंशन न मिलने की वजह से रघुनाथ की भूख से मौत होने का आरोप लगाया है। महाराज मुखन के मारे मारे 5 महीना से पैसा नहीं मिला, नहीं एक पैसा के दवाई करा पाए, कुछ नहीं पाए। ये भूखों के कारण आज 6 महीने से वो पड़ा है, ना उसकी दवा हुई ना कुछ हुआ। ऑफिस में जो कहते हैं तो वो कहते हैं पैसे नहीं है, तो जब पैसे नहीं है तो वो करेंगे क्या, तहसीलदार है तो सुनते नहीं है। वहीं अधिकारी आश्रम के बुजुर्गों के लिए खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम होने और रघुनाथ सोनी की मौत बीमारी से होने का दावा कर रहे हैं। भोजन वहाँ बराबर बनता है, उनके स्वास्थ्य के लिए बराबर प्रतिमा डॉक्टर की टीम जाती है, चेक करती है, और हम भी कलेक्टर महोदय का आदेश हम भी समय पर जाकर के वहाँ उपलब्धों से बातचीत। इस बीच सतना पहुंचे निशक्त जन कल्याण विभाग के आयुक्त ने बगैर पोस्टमार्टम बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कराने के आरोप पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहाँ के लोगों ने अगर शिकायत की है ये नेचुरल डेथ नहीं हुई है और अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ है ये भी बहुत गलत बात है, और इसके लिए तहसीलदार और SDM वहाँ पे जब मौजूद थे और उनको सब जानकारी थी तो उनको अवश्य कराना था, अगर नहीं कराया है तो ये बहुत घोर लापरवाही का मामला है। बुजुर्ग की मौत कैसे हुई ये बात तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन बगैर पोस्टमार्टम के बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करने का फैसला स्थानीय अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मध्य प्रदेश के सतना से मृदुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।